क्षितिज को फोन मिला है, बच्चा क्षितिज का बच्चा फोन नहीं उठा रहा, अभी देखेंगे क्या करता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। सामान हो चुका है पैक, बाकी वो कट्टे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सबको हर हर महादेव। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ ऐसा है, आज मैं जा रहा हूँ, मेरा छुट्टी का दिन है, किसी काम से जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो रूम खाली पड़ा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था अभी एक दो व्लॉग पीछे पहले कि ये खाली क्यों पड़ा है। अभी वहाँ सामान लेने जाना है, वो सामान लाऊँगा, आपको दिखाता रहूँगा साथ के साथ, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो गाइस इधर चल रहे हैं अभी बिस्किट और चाय, ठीक है, चाय पीते हैं और फिर उसके बाद रेडी होते हैं, फिर उसके बाद निकलता हूँ। तो गाइस इधर चल रहा है काम, सफाई हो चुकी है, दीदी बर्तन लगा रही हैं। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने नीचे, थोड़ा सा घर का। क्या अंडे लाने? अंडे, ब्रेड तो है, बटर, कुछ सामान लाना है, वो जाके ले आता हूँ पहले, फिर आके जाऊंगा, रेडी होऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा। थोड़ा लेट हो गया आज, छुट्टी ही तो लेट उठा। क्या हाँ, कपड़े इस बार धुल चुके हैं और मुझे नहीं धोने पड़े, ये सही हो गया। अब जल्दी से चल के सामान ले आते हैं पहले और फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मार्केट आ गया हूँ और अभी प्रिया का फोन आया था, उसने बोला दवाई भी ख़त्म है, तो प्रिया की दवाइयाँ भी लेनी है, तो पहले वो वाला सामान ले लेते हैं घर का, थोड़ा सा दही वही मटन, और उसके बाद दवाइयाँ ले लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। तो गाइस सामान ले लिया है, देखिए ऊपर चलते हैं अंदर जल्दी से। तो गाइस नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ, अब जल्दी से एक व्लॉग एडिट कर लेते हैं और उसके बाद निकलूँगा मैं मेरठ के लिए। तो गाइस फाइनली मैं निकल गया हूँ मेरठ के लिए, अभी घर से निकला हूँ, अब चलते हैं। तो गाइस पापा की फेवरेट चीज़ राम लड्डू पापा के लिए पैक करा रहा हूँ, और वो प्रिया ऊपर से देख रही है। और तो जल्दी से पैक कराते हैं और चलते हैं घर। तो गाइस मौसम हो रहा है बड़ा शानदार और मैं कर रहा हूँ अपना कैब का वेट हाईवे पे, और अभी तक आई नहीं है और इतना सही मौसम हो रहा है, सही हवा चल रही है, जल्दी से कैब आती है तो चलते हैं मेरठ। तो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ मैं मेरठ, मिलो पापा से, हेलो हाय। तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और बातें कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस पापा खा रहे हैं इधर राम लड्डू और मम्मी कर रही है किचन में काम। क्या कर रही हो, गरम कर रही हो उसको? हैं? तो गाइस एक मैं भी खा ही लेता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है। गिर गया नीचे? तो ये रहा राम लड्डू, ओहो खा लेते जल्दी से। ये तो दे। बड़ा होगा, बहुत गर्म है। तो गाइस नाई चुकल क्या है, सुनो तो अरे सुनो तो, जल्दी भाग के आओ, भाग के दो, कल क्या है ये तो बता दो आके यार, जरा जल्दी जल्दी आओ। हैं? कल 10 सतेंद्र है, क्या गिरा दी बॉटल, 10 सतेंद्र है कल, तो क्या है 10 सतेंद्र को क्या आता है, क्या आता है उस दिन, कल नाइचू का बर्थडे, ये बले 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 बले। अच्छा नाइचू 10 सतेंद्र को किसका बर्थडे आता है? तेरे फूफा का, आपके फूफा का बर्थडे। ये बॉटल तो बड़ी सुंदर है, कहाँ से आई? अरे वाह नाइशू की पाइशू, पार्टी कहाँ दे रही हो कल चाचू को? मस्त जोक मार। गोवा? गोवा चलेंगे हम, पापा और मैं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सदर जा रहे हैं सामान लेने, तो चलते आओ। तो गाइस ये हमारी नाइशा की गैंग देखो, गैंग देखो कितनी तगड़ी है। ठीक है, चावल रख दिए है ना, तड़का जब लगाएगी तो मुझसे पूछ लेना एक बार, है प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया बस, ओके। कल छुट्टी करोगे तुम? मत करो यार प्लीज, एक संडे तो होता है, चलो कर लेना, क्या करें। इस बार दीदी बना रही है दाल चावल और अब मैं बनाऊंगी पनीर की भुर्जी। रचित बोली गए मम्मी वही खाऊंगा, रचित जिम गया हुआ है, और आपको दिखाती हूँ आज का वेदर। वाह गाइस
आज बहुत बारिश वाला मौसम हो रहा है, मजा आ रही है। सुबह से हवा चल रही है। मार्केट हमारे घर के पास, तो अभी चलते थोड़ा सा पीछे होके आते हैं। तो गाइस, जैसा कि क्षितिज ने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि मुझे 25th से बेड रेस्ट बोल दिया था डॉक्टर ने, तो आज 15 दिन हो गए मैं घर पे ही हूँ। तो सोची थोड़ा सा नीचे घूम के आऊँ, थ्रेडिंग वगैरह करा के आऊँ, देखते हैं अभी मूड करता है तो जाते हैं, क्योंकि नहा के थोड़ा सा टायर्डनेस और लग रही है। थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर थोड़ी देर में जाते हैं नीचे। क्षितिज को फ़ोन मिला है, बच्चा क्षितिज का बच्चा फ़ोन नहीं उठा रहा, अभी देखेंगे क्या करता है वो। गाइस मुझे ना ये वाली लाइट बहुत अच्छी लगती है, अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत मेहनत करके ना भाई साहब से लगवाई लाइट, ऐसे पता नहीं चलती है। तो मुझे ना क्षितिज से अभी 2 लाइट्स ये वाली और लगानी है, फिर हम यहाँ पे और लगाएंगे, अच्छी लग रही ना, तो हम यहाँ पे और लगाएंगे इधर। और एक और चीज़ है मैं आपको दिखाती हूँ, लाइट जिसे स्टोर बोलते हैं ना, स्टोर का असली हालत मैंने खराब करी है, दिखाती हूँ आपको, दिखा भी नहीं सकती यार ये क्या हालत हो रही है पूरी यहाँ की खराब। कल यहाँ आएगा सारा सलून का सामान, तो कल हम यहाँ पे, कल तो नहीं परसों डेकोरेट करेंगे, पूरा सलून चलाएंगे यहाँ पे, आपको दिखाएंगे साथ साथ। पता है मेरी हालत खराब हो जाती है जैसे कोई छुट्टी बोलता है, क्या करूँ यार, मन नहीं लगेगा, एक तो भी कहीं जा भी नहीं पा रही, एक इस पास ही मैं बातें कर लेती हूँ है, और इस पास सोचती अब जल्दी से फटाफट काम खत्म करूँ और घर को जाऊं। कल क्या खाएगी तू संडे को, मच्छी है, मैं भी बनवाऊंगी तेरे से फिश, ठीक है। तो गाइस आप में से किसी लोगों को नहीं पता होगा कि जैसे कि लास्ट ईयर मैंने जून में सलून ओपन किया था, तो उसके बाद दिसंबर में किसी वजह से हमें क्लोज करना पड़ा था, बट अभी आपको पता है मेरी कंडीशन कैसी है, तो मैं बाहर नहीं जा सकती ज़्यादा, तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम बाहर की बजाय घर में हम एक छोटा सा अपना सलून का सेटअप करते हैं, क्योंकि मेरे कस्टमर्स हैं काफ़ी ज़्यादा जो मुझे कॉल करके पूछते हैं अभी भी, मैम आप कब खोलोगे क्या, मेरे को मतलब ओपन करने से पहले ही इतनी अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं कलर्स वगैरह की कि बता नहीं सकती आपको, तो हम जल्दी से जल्दी घर में ओपन करने का सोच रहे हैं। तो क्षितिज इसलिए मेरे गया है कि वो सलून का सारा सामान लेके आए और हम फिर रीओपनिंग करें उसकी छोटी सी, खाएंगे आपको भी साथ साथ। सब्जी देगा ना सब्जी वाला, तो उसका को देते हैं, वो भी ये भी लगा देती बहुत हैवी है और मुझे नहीं उठाना भी हैवी। इस पाओ ये भी उठा ले पहले, इसको भी अंदर लगा दे फ्रिज में, और जो आलू प्याज है वो बाहर रख दे, ठीक है। तो हमारी इस पा लगा रही है सब्जी सारी फ्रिज में, इतनी अच्छी है यार इस पा, तू इतनी अच्छी क्यों है बता, कैमरे देख के शर्मा जाती है। तो गाइस हमने चाचू की शॉप से लिया है सामान, सारा सामान हो चुका है पैक, बाकी वो कट्टे में है, और अब इसे जल्दी से रखवाते हैं और चलते हैं घर। तो गाइस सामान लेके आ गए हैं घर, ये रहा सारा सामान, और अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं, मिलते हैं आपसे। तो गाइस कल है मेरी नाइशु का बर्थडे, अब हम केक काटने लगे हैं, ओ बले बले। तो ये है नाइशु का केक, नाइशु कह रही है केक काट रहे हैं, नाइशु कह रही है मेरे मेरी शक्ल ठीक नहीं है अभी, मेरी वीडियो मत लेना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नाइशा, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ भले इसका जा चुकी है, अब लाइट पे अंदर, अब हम करेंगे चल टीवी देखेंगे। तो गाइस क्षितिज का फोन आ गया था फाइनली, कह रहा मैं सदर में ही हूँ तो ले आऊँगा, मैंने 2 लाइट्स मंगाई है और मजे करेंगे, और जब तक खाते हैं दाल चावल, यम्मी। पता नहीं मुझे क्यों बार बार भूख लगती है, आपको पता ही है क्यों लग रही है फिलहाल अभी, बस मुझे ये डर है कि मैं मोटी ना हो जाऊँ, तो चलिए खाते हैं दाल चावल। तो गाइस रजित आ गए हैं,
जिम से बाल सेट कर रहे सबसे पहले तेरे मम्मी बाल सेट करो। हटो बच्चों कैसा वेदर हो रहा है दिखाना बाहर बाहर दिखो क्यों दिखाना यार कैसा वेदर हो रहा है बता पुणे जैसा पुणे ज्यादा अच्छा है पुणे ज्यादा अच्छा है गाइस हमारा देहरादून मसूरी से दिखता ना देहरादून वो रहा हमारा देहरादून वाओ बारिश भी आ रही है यार थोड़ी थोड़ी और बताओ कुछ देहरादून के बारे में और पुणे के बारे में लड़का पता नहीं क्या कर रहा है भाई क्या करके मानेगा इतना पतला हो गया दिखा ना बॉडी राज्य बॉडी नहीं है राज्य बॉडी तो दिखा दे यार इतनी फुटेज खाता है यार कैमरा पीछे पीछे लेके घूमना पड़ता है। गाइस बताना आपका बेटा भी ऐसा ही है क्या मुंह में सब कैमरा लगाओ अपना आई कैप और सो जाओ चलो तो चलते मैं नीचे जा रही हूँ तेरे लिए कुछ लाना है थ्रेडिंग कराने यार क्या करूँ जाऊँ ना जाऊँ यार मन तो नहीं कर रहा जाने का क्या करूँ तू बता जाऊँ या नहीं जाऊँ मौसम भी अच्छा हो रहा है लेकिन आलस आ रहा है कल जाएंगे प्लान कैंसल आज नहीं जा रही मैं नीचे तो गाइस ये मुझे कैमरा घुमाना सिखा रहा है कह रहा है मम्मी ऐसे ऐसे घुमाया करो कैमरा अपनी तरफ भी करा करो तो आज का नीचे जाने का प्रोग्राम कैंसिल हम जाएंगे कल देखूंगी इतनी भी मुझे दिख नहीं रही वैसी ग्लो आ रहा है इतना तो हम करते चल ठीक है देखते हैं ठीक है कौन सी मूवी देखें ठीक है गोलमाल देखते हैं कल हमने देखी थी फुकरे आज हम देखते हैं गोलमाल गाइस देख सकते हो आप क्या मस्त वेदर हो गया वाओ बारिश 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 ये वाओ सारी शॉप्स क्लोज हो गई हैं क्योंकि बहुत तेज बारिश हो गई है गाइस बारिश शुरू हो चुकी है क्षितिज की जीन्स डाली हुई थी जल्दी से उतार देते हैं वाओ व्हाट अ लवली वेदर चलो 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 रचू बहुत तेज बारिश हो रही है जीन्स उतार के आती हूँ मैं शिट यार यही तीन रह रही थी और यही उतारनी पड़ी तो गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है रचित खा रहा पिज्जा यम्मी बर्गर तो खा चुके सर आप पूरा है मैंने नहीं खाया आपने खाया कितने रेटिंग देना चाहोगे आप ईलो पिज्जा का बहुत अच्छा है अब कल क्या मैकडी की वो नहीं कराएगा सेल हमेशा लोकल से खाया करो क्यों यार बिजनेस और इनको सपोर्ट किया करो नहीं यार ओ माय गॉड चीज तो बहुत अच्छी लग रही है मैं भी थोड़ी देर में खाऊंगी देखो एक पीस खाऊंगी मैं बस फॉर योर कंपनी तो गाइस रचित कर रहा अपना पिज्जा एंजॉय हम भी खा के सोते हैं थोड़ी देर में और मिलते हैं कल बाय बाय गुड नाइट तो गाइस ये बना दिया मैंने रचित के लिए पनीर भुर्जी जो मुझे पता है उसने पिज्जा खाया लेकिन रात को भूख तो लगेगी सोने चली गई थी लेकिन उठ के आई हूँ दोबारा कि भुर्जी बना के रख देती हूँ अपने आप खा लेगा फिर डाल के जब भूख लगेगी अगर आपको पनीर भुर्जी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो मैं आपके लिए शेयर करूँगी रेसिपी यार मैंने गुड नाइट कर दी थी सबको बता आप क्या चाहिए खाना चाहिए साइकिल तो दिखा दो अपनी तुम बस डोले दिखाते रहते हो रोटी गरम कर दूं चलो ये बाहर रख दे ये बाहर रखो चलो इधर 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 डस्टबिन जिधर होता है यस गुड बॉय अच्छे से रखना तो चलो अच्छे से देते हैं रोटी गाइस आके मेरे से फोन छीन लिया लड़के ने मतलब हद है इतनी शर्मीली तो कोई लड़की भी नहीं होती जितना मेरा शर्मीला लड़का है तो चलो खाना देते हैं उसको सोने का दिन नहीं है मुझे लगता है आज मैं सो ही नहीं पाऊंगी बिल्कुल भी नींद आ रही है जब वो जनाब घर पे होते हैं तो वो मुझे बोलते हैं लेट तक जागे रहे प्लीज आज मेरी छुट्टी है 3 बजे तक जागेंगे आज 4 बजे तक जागेंगे भाई साहब कोई नहीं सोने देता दोनों में से चलो खाना देके जल्दी से सोते फिर